Hello students, welcome to online lectures of Kids Planet High School. This lecture is for class 8, subject Hindi, Kavita. जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जिसके कवि हैं रमेश दत्त शर्मा जी. Let us now begin. वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए. यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे मानव, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुर भाषी बनो. तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो, जब भी बोलो प्यार से बोलो, जब आवश्यकता हो तब भी बोलो. चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए. अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि दोस्तों, चुप रहने के अनेक लाभ हैं. ऊर्जा बढ़ती है, समय बचता है, उस ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है. इसलिए सोच समझकर बोलना है और जहाँ जरूरत है वहीं पर अपना मुंह खोलना है. कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए. अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो. बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलने की आदत बनाओ, ऐसा ना हो कि कहीं आपकी बातें सामने वालों को दुख पहुंचाए. तलवार से हुआ घाव देर सवेर भर ही जाता है, किंतु कटु वाणी से हुआ घाव कभी नहीं भरता. समय असमय हमें याद आ आ कर पीड़ा पहुंचाया करता है. तू तड़ाक हो या फिर हो तू तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए. कवि कहते हैं कि यदि बातचीत के दौरान मतभेद हो जाए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो अपने आप को टोककर चुप रहना सीख लीजिए. पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए. कवि कहते हैं मित्र, किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना कहीं उचित है, क्योंकि क्रोध के बदले क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी. यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ती ही है. कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपण सीख लीजिए. कवि कहते हैं कि कड़वी बातों से कांटे ही मिलते हैं. कड़वी बातें ऐसे बीज हैं जिसके फल स्वरूप कांटो रूपी फसल ही मिलती है. अतः कड़वी बातों का त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाओ. बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए. कवि कहते हैं यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखिए, ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए. ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए. अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बातों पर होठ सीकर यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए. कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो, तो उस समय चुप रहा जाना भी अन्याय ही होगा. हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए.